नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और दिल्ली के उस ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर खड़ा हूं जो कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। ऐसी एक घटना थी आपातकाल की, 25 जून 1975 को इसी रामलीला मैदान पर जननायक जयप्रकाश नारायण ने एक महारैली की थी। उन्होंने इंदिरा गांधी के शासन को चुनौती दी थी, लिहाजा 25 जून की रात को ही देश में आपातकाल लगा दिया गया। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया, पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन कर दिया गया। आपातकाल की इसी घटना पर पेश है हमारी यह खास रिपोर्ट। स्वैर और निरंकुश बनी इंदिरा सरकार और उसके तंत्र ने अपनी सत्ता बचाने के लिए जनता को कुचलने में संविधान को दरकिनार कर दिया और मानवता की सीमा की सारी हदें तोड़ दी थी। 26 जून 1975 की सुबह देश अवाक था। विपक्षी दलों के सभी बड़े नेता मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जयप्रकाश नारायण को जेल भेज दिया गया। यहां तक कि कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य चंद्रशेखर को भी जेल में बंद कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके तृतीय सरसंघचालक श्री मधुकर दत्तात्रेय देवरस, उपाख्य बाला साहब देवरस को भी गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। आपातकाल के दौरान दिल्ली का यही रामलीला मैदान लोगों की आवाज बना, कई सारे सवाल उठे और जनता निकल पड़ी सड़क पर आपातकाल को चुनौती देने के लिए। स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय आपातकाल आखिर लगा ही क्यों? इसका उत्तर सत्ता के उस खेल में मिलता है। 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने राजनारायण को हरा दिया। राजनारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर चुनाव में अनियमितता बरतने, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, तय सीमा से अधिक खर्च करने और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों के इस्तेमाल का आरोप लगाया था, जिसे कोर्ट ने सही ठहराया। इंदिरा गांधी 12 जून 1975 को आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले से बेचैन थी जिसमें रायबरेली से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। इमरजेंसी की जरूरत सिर्फ एक बात के लिए थी कि 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की को लोकसभा की सदस्यता के से अयोग्य घोषित कर दिया, यानी चुनाव में गलत तरीकों के इस्तेमाल के लिए उनकी सदस्यता चली गई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको 15 दिन का समय दे दिया कि इस 15 दिन के अंदर आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में आप इसके लिए रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। तो किसी हाई कोर्ट का वो पहला फैसला है मेरी समझ में, आज तक का वो पहला फैसला है जिसमें उस हाई कोर्ट ने अपने फैसले को खुद स्टे कर दिया। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने विशाल रैली कर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को ललकारा और देश की जनता से इंदिरा सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। जेपी के मंच पर विपक्ष से सभी नेता आए और यहीं से कांग्रेस और इंदिरा विरोधी मोर्चे की तस्वीर भी सामने आई। जो इंदिरा जी के मामले में हुआ, उस समय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 25 जून 1975 आते आते समूचे देश की जनता सड़क पर आ गई और उस जनता से मुकाबला करने में अपने आप को असहाय और असक्षम महसूस करते हुए इंदिरा जी को आपातकाल लगाना पड़ा। जितने फंडामेंटल राइट्स हैं सब खत्म हो गए, या हम कोर्ट में जाकर के अपने लिए अपील भी नहीं दायर कर सकते हैं, इस तरह की कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था बन गई। राष्ट्रकवि दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है एक नारा बन गई। सत्ता में ऐसी खलबली मची
कि उसी दिन यानी 25 और 26 जून की आधी रात को आपातकाल के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर हो गए और देश में आपातकाल लागू हो गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 26 जून को कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री इंदिरा ने बताया कि आपातकाल लगा दिया गया है। दस्तखत हो जाने के बावजूद जो मंत्रिमंडल की बैठक है वो तो हुई नहीं थी, क्योंकि इंदिरा गांधी को डर ये था कि मंत्रिमंडल में हो सकता है विद्रोह हो जाए, तो इमरजेंसी की घोषणा पर दस्तखत करवा लेने के बाद सुबह 6 बजे जो जो मंत्री दिल्ली में थे उनको जगा जगा करके, उठा उठा करके, जैसे भेड़ बकरी को ले आया जाता है उस तरह से उनको प्रधानमंत्री निवास में लाया गया और वहाँ प्रधानमंत्री ने ये उनको सूचना दी कि देश में आपातकाल लागू हो गया। किसी ने भी विरोध नहीं किया सिवाय स्वर्ण सिंह के। स्वर्ण सिंह ने ये कहा कि इसकी ज़रूरत क्या थी, बहुत जो उनका तरीका था बहुत शालीन तरीके से, लेकिन स्वर्ण सिंह ने ये सवाल उठाया कि मैडम इसकी ज़रूरत क्या थी। इस पर वहाँ मौजूद मंत्रियों में से सिर्फ एक मंत्री ने सवाल पूछा, वो थे रक्षा मंत्री सवर्ण सिंह। उनका सवाल था किस कानून के तहत गिरफ्तारियां हुई हैं। इंदिरा ने उनको संक्षिप्त जवाब दिया जिसे वहां मौजूद बाकी लोग नहीं सुन पाए। इंदिरा गांधी के आपातकाल के शासन ने देश की राजनीति को हिला के रख दिया, आम आदमी को भी झकझोर दिया। क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, क्या छात्र और क्या आम आदमी, लगभग सभी को जेल में ठूस दिया गया। जो विरोध में खड़ा होता उसे पकड़ के बंद कर दिया जाता। झूठे मुकदमों में लोगों को फंसाया गया और जेलों में लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई। राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं किसी को नहीं बख्शा गया। ऐसा दमन जिसने अंग्रेजी शासनकाल की याद ताजा कर दी। सरकार और सरकारी तंत्र को आपातकाल के नाम पर एक बड़ा हथियार मिल गया था और शुरू हो गया दमन चक्र। लोगों को प्रताड़ित करना और झूठे मामले दर्ज कर जेल भेजना आम बात हो गई। सरकार की करतूत से गुलामी के दौरान अंग्रेजों के अत्याचारों की याद ताजा हो गई। ये क्रम लगातार चलता रहा। सरकार का विरोध करने पर दमनकारी कानून मीसा और DIR के तहत देश में 111,000 लोग जेल में ठूंस दिए गए। JP की किडनी कैद के दौरान खराब हो गई। कर्नाटक की मशहूर अभिनेत्री डॉक्टर स्नेहलता रेड्डी जेल से बीमार होकर निकली, बाद में उनकी मौत हो गई। सभी के सभी सलाखों के पीछे डाल दिए गए। आपातकाल के दौरान जेल यात्राओं की दहला देने वाली कहानियां भरी पड़ी हैं। देखिए, आपातकाल इस देश के लोकतंत्र का एक ऐसा काला धब्बा है जिसे कि हमेशा याद किया जाना चाहिए। मैं इसलिए याद किया जाना चाहिए कह रहा हूँ कि आपातकाल का जो 2 वर्ष था वो दो वर्ष बहुत दर्दों भरा वर्ष था। वो ऐसा वर्ष था जिसमें कि लगता नहीं था कि जो लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है, लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया गया है, वो कभी वापस भी हो पाएगा। मैं तो 16 साल का था, जेल में था। उसके अलावा हज़ारों हज़ार लोग आपातकाल में जेल में थे और जेल में जब कोई बुज़ुर्ग या कोई साथी जेल के अंदर दम तोड़ देता था तो सारे जो लोग थे उनकी आस खत्म हो जाती थी कि अब तो ये दम तोड़ रहा है, कल को हम भी मरेंगे यहीं। एक नज़र 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि की ओर। ब्रिटिश ध्वज नीचे उतरा और गुलामी की बेड़ियों को तोड़ तिरंगा शान से ऊपर चढ़कर फहराने लगा। 14 अगस्त की रात 11 बजे से ही आज़ादी का समारोह शुरू हो गया था। भारत की आज़ादी के समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मध्य रात्रि की इस बेला में जब पूरी दुनिया नींद के आगोश में सो रही है, हिंदुस्तान एक नई जिंदगी और आज़ादी के वातावरण में अपनी आँख खोल रहा है। ये एक ऐसा पल है जो इतिहास में बहुत कम दिखता है। जब हम पुराने युग से नए युग में प्रवेश करते हैं और जब एक युग
खत्म होता है और जब एक देश की बहुत दिनों से दबाई गई आत्मा अचानक अपनी अभिव्यक्ति पा लेती है। इसके ठीक 27 साल 10 महीने बाद 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने भारतीय लोकतंत्र का गला घोट दिया। लोकतंत्र को हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ दिया गया, आपातकाल लगा दिया गया। नेहरू के अनुसार जब एक देश की बहुत दिनों से दबाई गई आत्मा को अभिव्यक्ति मिली थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस आत्मा को दबा ही नहीं डाला बल्कि कुचल डाला। आपातकाल के दौरान मीडिया का भी दमन हुआ, ऐसा दमन जो पहले नहीं देखा गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे शब्द मानो बेमानी बन गए। पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। समाचार पत्रों में क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा ये थाने से लेकर सेंसरशिप तक तय होने लगा। सरकार तय करने लगी कि अखबार कैसे छपेंगे और कैसे नहीं। कई समाचार पत्रों का प्रकाशन बंद कर दिया गया तो कई पे पाबंदियां लगा दी गईं। आपातकाल लगने के साथ ही प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। रात में ही समाचार पत्र कार्यालयों की बिजली काट दी गई थी ताकि कोई समाचार पत्र न छप सके। जो कुछ छप चुके थे और सवेरे सवेरे लोगों के हाथों में पहुंच गए थे, जिस किसी में आपातकाल विरोधी प्रयत्न दिखा उन सब को जब्त कर लिया गया। उनके संपादकों को उनके इस दुसाहस के लिए जेल में ठूंस दिया गया। दिल्ली के रामलीला मैदान पर 25 जून को जयप्रकाश नारायण की रैली हुई थी, पर सरकार ने उस रैली की खबर देश में न पहुंचे इसलिए बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात में ही काट दी। स्वतंत्रता के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि प्रेस पर पूर्ण सेंसरशिप लगाई गई। हमें हर राइटअप, हर खबर को पहले सेंसर करवाना पड़ता था। एक सेंसर बोर्ड बना था, उसके ऑफिस थे पीटीआई बिल्डिंग में, उसका मेन मुख्य ऑफिस, वहाँ जाना पड़ता था और वो पढ़ते थे और फिर ठप्पा लगाते थे सेंसर, तब हम छाप सकते थे। सभी अखबारों के संपादकों पर आपातकाल के दौरान हो रही जातियों की खबर न छापने के लिए भरपूर दबाव बनाया गया। आपातकाल और सरकार से विरोध रखने वाली खबरों के लिए अखबारों में जगह नहीं छोड़ी गई। अधिकतर अखबारों में केवल सरकारी विज्ञप्तियों को ही खबर की तरह छापा जा रहा था, यहाँ तक कि किसी भी खबर को बिना सूचित किए नहीं छापा जा सकता था। सरकार विरोधी लिखने वाले पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। कई समाचार पत्रों का प्रकाशन या तो बंद कर दिया गया या फिर उनकी खबरों को सेंसर कर दिया गया। समाचार पत्र में क्या छपेगा क्या नहीं इसका फैसला थाने तक से होने लगा। सरकार ने लगभग 3800 समाचार पत्रों के डिक्लेरेशन जब्त कर लिए और कई अखबारों के विज्ञापन बंद कर दिए। चौधरी चरण सिंह जी से मैंने एक हफ्ते पहले एक इंटरव्यू लिया था, एक बातचीत की थी। बातचीत में उन्होंने गुस्से में और आक्रोश में ये कह दिया कि देख लेना अधिनायकवाद आ रहा, तानाशाही आ ही जाएगी इस देश में। और श्रीमती इंदिरा गांधी की ओर इंगित करके उन्होंने कहा कि वो तानाशाही लाएगी और सारे राजनीतिक दलों को बंद कर देगी। अब ये उनके दिमाग में नहीं था, इनके उनके स्वभाव में अतिवादी बात कहना था, लेकिन उन्हें कह दी। और मैंने उनसे ये पूछा कि अगर आपको लगता है कि अधिनायकवाद है तो आप इकट्ठे क्यों नहीं होते। उसने कहा ये सारे राजनीतिक दल इकट्ठे कभी नहीं होंगे, बटे हैं और बटे ही पिटेंगे। आपातकाल के बाद 1970 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। कांग्रेस लगभग पूरे देश में चुनाव हारी और जनता पार्टी के रूप में पहली गैर कांग्रेस सरकार देश में बनी। इंदिरा सरकार के आपातकाल के असर से उनकी कांग्रेस भी नहीं बच पाई। आपातकाल के कारण देश में ऐसी कांग्रेस विरोधी लहर चली कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से चुनाव हार गईं। पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने।
कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। एक परिवर्तन ये था कि कांग्रेस पार्टी अपराजेय है और डॉक्टर लोहिया से लेकर के जो और हमारे कई पुरखे थे वो कांग्रेस हटाओ के अभियान में लगे हुए थे, तो उनके लिए जरूर ये कि नया दिन था कि यस यू कैन डिफीट कांग्रेस आल्सो, आप कांग्रेस को भी पराजित कर सकते हो। आपातकाल में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ संघ ने सत्याग्रह करने का फैसला किया। 1,76,000 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने जेल यात्रा की, जो विश्व रिकॉर्ड है। अंतदोगत्वा संघ से भी प्रतिबंध हटा लिया गया। तत्कालीन सरसंघचालक बाला साहब देवरस यरवदा जेल से मुक्त हुए। प्रसिद्ध सोशलिस्ट नेता एमएम जोशी हजारों लोगों को साथ लेकर उनका स्वागत करने जेल के दरवाजे पहुंचे। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार को अपने परामर्शी मधु लेमय और राजनारायण के दबाव में चरण सिंह ने गिरा दिया, आपातकाल में हजारों कार्यकर्ताओं के बलिदान और लाखों के त्याग को निष्फल करने का अपयश लेने के बावजूद चौधरी चरण सिंह एक बार भी संसद में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाए और आपातकाल के उस काले अध्याय को समेटे भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गला घोंटने वाले चेहरे को फिर से सत्ता पर देखने के लिए विवश हो गया। आपातकाल खत्म हो गया लेकिन पीछे छोड़ गया है लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक, साथ ही ये सवाल क्या आपातकाल से बचा जा सकता था। आपातकाल का मतलब होता है जब ऐसी स्थिति देश में हो जिसको सामान्य कानूनों से टाला नहीं जा सकता, जैसे युद्ध हो, जैसे बहुत बड़ा अकाल पड़े, जैसे बहुत बड़ा भूकंप आए जिसको संभालना आसानी से संभव नहीं है। ऐसी ही स्थितियों के लिए आपातकाल की कल्पना संविधान में की गई थी, लेकिन उस समय जो कठिन समस्याएं थी वो केवल एक व्यक्ति या एक परिवार के प्रति थी, उसका देश से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए ये एक व्यक्तिगत आकांक्षा या व्यक्तिगत आग्रह था जिसके कारण आपातकाल लगा। पहली बार लोगों को ये महसूस हुआ कि इस तरह का अधिकार इस्तेमाल किया जा सकता है, इस तरह का दमन हो सकता है और इस तरह के दमन को पराजित किया जा सकता है। महात्मा गांधी सहित स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए इसलिए संघर्ष किया था कि स्वतंत्र भारत में लोग अपने मौलिक अधिकारों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक रह सके, लेकिन आपातकाल के दौरान जिस प्रकार से मौलिक अधिकारों का हनन किया गया उसने कई सवाल खड़े कर दिए। हर घटना एक सबक होती है, आपातकाल भी एक सबक था इस बात का कि लोकतंत्र का आपातकाल विकल्प नहीं हो सकता। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।